हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड बफर थ्योरी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, पहला चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें हाइड्रोनियम आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर में जब हम इसे एसिड को डिजॉल्व करते हैं तो हमें ये हाइड्रोनियम आयन देता, मीन्स एच प्लस आयन, जिसका पीएच होता है 7 से कम। और लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये हमें बताता है रेड टू ब्लू टू रेड। ओके, अब आते हैं बेस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, मींस ओएच आयन, जिसका कि पीएच होता है 7 से ज़्यादा। और लिटमस टेस्ट करेंगे तो रेड टू ब्लू बताता है। अब बफर। बफर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी पीएच के वैल्यू को चेंज होने से उसे कंट्रोल करता है। ओके, मतलब द सॉल्यूशन दैट एबल टू रजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू। ओके, अब जो ये बफर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, मतलब कि जो कमज़ोर होते हैं एसिड वो और उनके नमक, सॉल्ट मतलब नमक मतलब रमण। एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड के एस्टिक एसिड जो होता है एस्टिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। बेसिक बफर सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, मतलब वीक बेस है और उसका सॉल्ट, एग्जांपल अमोनियम। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं एसिड बेस की। तो ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को दिया था, एसिड बेस थ्योरी जो थी वो तीन साइंटिस्ट ने दिया था। देयर आर थ्री साइंटिस्ट विच कीप द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। पहले जो साइंटिस्ट थे वो आर्नियस थे, और दूसरे बॉरेंस्टन लॉरी, और तीसरे लुइस। जो आर्नियस थे वो 1904 में दिया था, और जो बॉरेंस्टन लॉरी थे वो 1923 में दिया था। आइए देखते हैं कि क्या होता है ये थ्योरी। आर्नियस थ्योरी क्या कहती है हमारी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एसिड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस आयन देता है हाइड्रोनियम आयन, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में। वेयर एज बेस इज अ सब्सटेंस विच कीप एन OH आयन, मतलब कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसी जगह पे बॉरेंस्टन लॉरी ने कहा कि बॉरेंस्टन लॉरी ने यह कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब कि वो डोनेट करता है, देता है दूसरे को, मतलब एसिड को हम कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, मतलब वो लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ऐसे ही ये एरो है, जैसे कि ये एसिड हो गया, एसिड जो होता है प्रोटॉन को डोनेट करता है, और जो बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ओके, लुइस, लुइस जी कहते हैं कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, बेस जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब वो देता है। जैसे यहाँ पे एसिड जो था वो प्रोटॉन देता था, यहाँ पे बेस इलेक्ट्रॉन देता है। और एक एसिड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब इसे कहते हैं एसिड को कहते हैं लुइस के अनुसार कि एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है।
ओके फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।